नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, साइंस गणित व अंग्रेजी के नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के अखबार में ये साफ साफ लिखा हुआ है, पटना संस्करण है, साइंस गणित व अंग्रेजी के नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। 30 जुलाई को 1850 को ही मिले नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थी 9 के बराबर हैं, हालांकि अभी दो दर्जन से अधिक बड़े नगर निकाय और अधिकतर जिला परिषद में काउंसलिंग होना बाकी है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि असल नियुक्तियां कितनी हो सकी और कितने पद खाली रह गए। दोस्तों, क्यों खाली रह गए पद? विज्ञान वर्ग गणित व अंग्रेजी में एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कमी, लेकिन एसटीटी 2019 जो है 2019 जो है उसमें जो है विज्ञान गणित और अंग्रेजी के एसटीटी उत्तीर्ण हैं और उसकी संख्या भी अच्छी खासी है। तो सरकार को चाहिए कि जो साइंस गणित अंग्रेजी के शिक्षक चाहिए तो एसटीटी 19 में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द बहाली करें। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 6ठे चरण में 32,714 रिक्त पदों की गणना मई 2019 के आधार पर की गई थी। यह नियुक्तियां 2011 के एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए थी, हालांकि बाद में 2019 तक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया। जानकार बताते हैं कि उस समय के एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कम थे। गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु एवं वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या ही 9 के बराबर थी। जो कुछ भी थे वह 10 सालों में दूसरे जॉब में चले गए। यही वजह है रही कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए रिक्त 19,389 में से केवल 448 ही अभ्यर्थी चयनित हो सके। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खबर है, जल्द से जल्द इस वीडियो को आप शेयर करें और अधिक से अधिक जो है शेयर करने का प्रयास करें और बिहार सरकार को जल्द से जल्द जो है 7वां चरण का जो है शेड्यूल जारी करना चाहिए और उसका रिक्ति का आकलन करना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए चल रहे 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन में 30 जुलाई को सिर्फ 1850 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जबकि 30,864 पद फिलहाल खाली रह गए। दरअसल कुल 32,714 रिक्तियों में से मात्र 6% पद ही भरे जा सके। खाली रह जाने वालों में से अधिकतर पद साइंस, गणित और अंग्रेजी विषय से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन विषयों में एसटीटी पास अभ्यर्थी 9 के बराबर है, हालांकि ये जो है एसटीटी 2019 जो हुई थी उसमें जो है अभ्यर्थी हैं। और जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और ये किस प्रकार की बहाली प्रक्रिया सरकार चला रही है हमको समझ में नहीं आ रही है। और सरकार जो है क्यों कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और इतना ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, प्लस टू अपग्रेड हो रहा है, लेकिन प्लस टू में शिक्षकों की स्थिति बहुत बद से बदतर है। सरकार को अविलंब जो है उसका रिक्ति का आकलन करते हुए सेप्टेम्बर में जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और शेड्यूल तो है अगस्त में ही निकाल देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।